आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से बचाने के लिए सरकार ने पेश किया है नया मास्टर प्लान। 160 नंबर से आने वाली कॉल की जड़ से अब होगी पहचान। स्पैम फ्रॉड कॉल के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने जो है ट्रांजेक्शन और सर्विस वॉइस कॉल के लिए नए नंबर सीरीज पेश की है। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई, उसके रिलीज के मुताबिक वित्तीय संस्थाओं से जुड़े ट्रांजेक्शन और सर्विस वॉइस कॉल के आने पर जो है ऐसे 160 सीरीज के साथ नंबर जो है वो नजर आएंगे। यानी किसी भी फाइनेंशियल कंपनी से आने वाली कॉल से स्मार्टफोन यूजर्स को 160 नंबर से शुरू यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। वहीं 3 डिजिट के साथ आने वाले कॉल्स को लेकर स्मार्टफोन यूजर्स कॉल उठाने से पहले ये तय कर सकेंगे इसे कॉल को उठाना या फिर नहीं। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्राई और इसके अलावा जो है बीमा नियामक विकास प्राधिकरण टेरा और PFRDA जो है उससे कई दूसरे वित्तीय संस्थान और सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक जो है ट्राई ने यहाँ पर की है। उसके बाद जो है फैसला लिया गया। पहले चरण में 160 मोबाइल नंबर सीरीज भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण और इसके अलावा PFRDA द्वारा रेगुलर किए जाने वाले सभी संस्थाओं के लिए जो है ऐसे नंबर जो है वो यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। बाद हम कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों का इंतजार खत्म। आज जारी होगी PM किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त। किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। केंद्र सरकार ने जो है वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इस योजना के तहत जो किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए जो है मिलते हैं, यानी सालाना जो 6,000 रुपए की सहायता मिलती है। केंद्र सरकार अब तक 16 किस्तें जारी कर चुकी है, अब 17वीं किस्त जो है वो आज जारी करने जा रही है। दरअसल PM नरेंद्र मोदी तीसरे बार PM पद का कार्यभार संभालने के बाद 17वीं किस्त जारी करने की घोषणा की। यह लगभग 20,000 करोड़ रुपए है जो कि 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ये 2,000 रुपए पहुंचेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक PM मोदी आज जो है वाराणसी से लाभार्थी किसानों के लिए PM किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। वही सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे बिना किसी परेशानी के 17वीं और आगामी किस्त पाने के लिए जल्दी से जल्द अपना KYC पूरा करा लें। और आज जो है किसानों के खाते में जो है 2,000 रुपए आने वाले हैं, तो इसके लिए स्टेटस अभी भी चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो है आप आसानी से जो है PM किसान सम्मान निधि योजना का जो स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। क्लिक में ये आप देख सकते हैं कि आपके खाते में 2,000 रुपए आएंगे या फिर नहीं आएंगे। चेक करने के लिए आपको सबसे पहले PMKisan.gov.in वेबसाइट पर जाना हो, वहाँ जाकर फॉर्म कॉर्नर एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नए पेज पर लाभार्थी स्टेटस, उसके बाद उम्मीदवार को अपना आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर जैसे आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे। इसके गेट रिपोर्ट पर ओके करने के बाद, गेट रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद किसान आवेदन भुगतान की स्थिति जो है मतलब स्टेटस जो भी है वो यहाँ पर सामने आ जाएगा और आसानी से चेक कर पाएंगे अपना स्टेटस। बात अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बीच में सरेंडर करने पर मिलेगा पहले से ज्यादा पैसा। अगर आपने किसी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी है तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो है एडा, उसने 1 महीने पहले नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। हालांकि इंश्योरेंस कंपनियों को एडा की तरफ से लागू किए जो नए नियम जो है वो पसंद नहीं थे। कंपनी की यहाँ पर जो मतलब कंपनियों की मंशा थी कि पुराने नियमों को ही बहाल जो है किया जाए, लेकिन एडा ने नियमों को किसी प्रकार में बदलाव मतलब नियमों में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव करने से इनकार कर दिया। नए नियमों के अनुसार यदि किसी भी कारणवश लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बीच में ही बंद कर देते हैं आप, तो आपको पहले से ज़्यादा पैसे जो है वापस मिलेंगे। पैसा जो है वापस मिलने के इस प्रोसेस को जो है स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो है यहाँ पर कहा जाता है। दरअसल IDFC लाइफ के एक जो यहाँ पर प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा है कि पॉलिसी होल्डर को जल्दी जो है पॉलिसी बंद कराने पर पहले से ज़्यादा पैसे मिलने से कंपनी के मुनाफे 100 बेसिस पॉइंट का असर पड़ने का अनुमान है, लेकिन हम इसे कमी को ग्राहकों को मिलने वाले फायदों से समझौता किए बिना ही दूर करने में सक्षम होंगे। हमारा मानना है कि नए नियम लंबे समय में पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ग्रोथ में मददगार साबित होंगे। वह सूत्रों का कहना है कि काफ़ी संख्या में लोग शुरुआती सालों में ही अपनी पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं, इसलिए नया नियम ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ही फायदेमंद है। हालांकि बाद के सालों में सरेंडर करने पर पूरा ज़्यादा पैसा जो है वो मिलेगा, लेकिन वो रकम शुरुआती सालों के मुकाबले कम होगी। बाद अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, एक से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले लोगों की अब होगी मुसीबत, ज्यादा ढीली होगी ग्राहकों की जेब।
मोबाइल इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को आने वाले दिनों में जो अपनी जेब डीली करनी पड़ सकती है। दरअसल खासकर उन लोगों को जो ज्यादा नुकसान हो सकता है जो एक से ज्यादा नंबर रखते हैं। वहीं संबंध में दूरसंचार नियामक जो है एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। भारत के दूरसंचार नियामक जो है ट्राई, उसका कहना है कि मोबाइल नंबर वास्तव में सरकार की संपत्ति है। उन्हें दूरसंचार कंपनियों को सीमित समय के लिए इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। उन्हें कंपनियों ग्राहकों को जो है अलॉट यहाँ पर करती है। ऐसे में जो है सरकार मोबाइल नंबर देने के बदले कंपनियों से चार्ज वसूल सकती है। नियामक ने प्रस्ताव नंबरों के दुरुपयोग को कम करने के लिए तैयार किया है। ट्राई का मानना है कि मोबाइल कंपनियां कम इस्तेमाल होने वाले या फिर लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने वाले मोबाइल नंबरों को बंद नहीं करती है ताकि उनका यूज बेस पर कोई असर ना हो। ऐसे में समझ सकते हैं कि आज के समय में ड्यूल सिम कार्ड वाले फ़ोन का प्रचलन है। आमतौर पर लगभग हर यूज़र के पास एक से अधिक मोबाइल नंबर होते हैं। ज़्यादातर लोग दो मोबाइल नंबर रखते हैं, उनमें से एक का तो खूब इस्तेमाल किया जाता है लेकिन दूसरा नंबर यूँ ही पड़ा रह जाता है। मोबाइल कंपनियां भी जानबूझकर जो है से कम इस्तेमाल वाले नंबरों को बंद नहीं करती है। अगर वह इन नंबरों को बंद करेगी तो उनका यूजर बेस जो है कम हो जाएगा। वह ट्राई इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाना चाहता है। अपने प्रस्ताव के पक्ष में ट्राई का कहना है कि दुनिया के कई देशों में पहले से ऐसी व्यवस्था लागू है जहां पर दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर के बदले सरकार को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। तो भारत में भी जो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना ऐसी खबरें आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में।